हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, ध्यान से पढ़े कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा 1872। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब हुई। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो आपको बताना है 1881 में। ठीक है, व्यवस्थित जनगणना का पूछे तो 1881 बताए, और राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई तो आपको बताना है 1872। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों अलग है। इस तारीख को व्यवस्थित जनगणना करवाई गई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो द्वारा, और 1872 में व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, लेकिन शुरुआत 1872 से हुई थी। ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे कमेंट में बताएं किस प्रश्न में और कहां पर हो रहे हो। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आप 25 में से कितने प्रश्न सही करते हो वो हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और हर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़े, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ फसल काटी जाती है कब काटी जाती है, किस महीने में। तो आपको याद रखना है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बीच में क्या काटी जाती है, खरीफ फसल कब काटी जाती है, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अगला देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो आपको याद रखना है 28 दिनों में। क्या लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो आपको याद रखना है 28 दिनों में। ठीक है, अगला देखते हैं कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, मौर्य वंश से। ठीक है, याद रखना है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है 1800 मौर्य वंश से। ठीक है, अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में, सॉरी, यानी कि कहां पर किया जा सकता है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, कहां पर पेश किया जाता है, तो आपको याद रखना है संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, अगला देखते हैं कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, वापस से ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या कोई अंतर नहीं रहता है, तो आपका सही जवाब होगा कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि धातु को अगर गर्म करेंगे तो धातु पिघल जाएगी और उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। वेरी मोस्ट कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है सुक्रोज का प्रयोग कौन करते हैं, खिलाड़ी कब करते हैं, शक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सुक्रोज का। तो याद रखना है हर प्रश्न को, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखते हैं
कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी के कारण रक्त अल्पता होता है। ठीक है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन B12 के कारण। विटामिन B12 के कारण कौन सा रोग होता है या क्या होता है? तो आपको याद रखना है रक्त अल्पता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखते हैं कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है या की जा सकती है? तो आपको याद रखना है जियोलाइट। जियोलाइट से पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, किससे? जियोलाइट से। ठीक है, अगला देखते हैं कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। अगला देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछते लेकिन लोग क्या करते हैं, हिंदू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है सही। हिंदुत्व नहीं होगा, ईसाई धर्म। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। तो आपको याद रखना है हिंदुत्व नहीं लगाना है, ईसाई धर्म है जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, लेकिन आप बहुत बार गलत कर लेते हो इसलिए इसे आप जरूर पढ़ें, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। ठीक है, अगला देखते हैं कि चतुर्थ बोध संगति या चतुर्थ बोध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बोध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बोध सम्मेलन हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। ठीक है, अगला देखते हैं कि चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने किसे हराया था? चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? हर्षवर्धन को। किसने हराया था? तो चालुक्य शासक पुलिकेशन ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलिकेशन द्वितीय किसका शासक, कहाँ का शासक था? चालुक्य। ठीक है, किस वंश का शासक था, सॉरी, तो आपको याद रखना है चालुक्य। ठीक है, अगला देखते हैं कि राइडर कप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है गोल्फ। गोल्फ खेल से, खेल का संबंध राइडर कप से है। ठीक है, तो आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो आपको याद रखना है गोल्फ से, गोल्फ खेल से। और गोल्फ खेल का संबंध किस कप से है? तो भी आपको याद रखना है राइडर कप से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़िए हर प्रश्न को। कि निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो आपको याद रखना है ILO सबसे पुराना संगठन है। ठीक है, अगला देखते हैं कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आयकर दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। अगला देखते हैं, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ये तो 100% लोगों को पता ही होगा कि कौन सा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना काल में ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो आपको याद रखना है आरोग्य सेतु। अगला देखते हैं कि देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? देश का
नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है संजय कोठारी को। वापस से पढ़ो ध्यान से प्रश्न को कि देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है संजय कोठारी को। क्या नियुक्त किया गया है? मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। अगला देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, तो आपको याद रखना है रुद्रम। रुद्रम है जो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो आपको याद रखना है रुद्रम। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इधर अभी पूछा है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, तो आपको इधर बता दिया रुद्रम, लेकिन भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो भी यही होगा रुद्रम। ठीक है, अगला देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? ध्यान से पढ़ो प्रश्न को कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपको याद रखना है असम। ठीक है, असम है जो ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है सोनार। कौन सा है? सोनार। सोनार से क्या किया जाता है कि जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, किससे? सोनार से। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? निम्नलिखित में से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी कविता है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कविता किस लेखक द्वारा या किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। कविता कौन सी है? प्रतिज्ञा। ठीक है, अगला देखते हैं कि मोपला कौन थे? तो मोपला आपको याद रखना है मालाबार तट के मुस्लिम किसान को क्या कहा जाता था? मोपला। क्या कौन है तो भी आपको याद रखना है मालाबार तट के मुस्लिम किसान। ठीक है, अगला देखते हैं कि काका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? ध्यान से पढ़ो प्रश्न को कि काका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो आपको याद रखना है फास्फोरिक अम्ल के अस्तित्व के कारण होता है। क्या होता है? खट्टा स्वाद। काका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो आपको याद रखना है फास्फोरिक अम्ल के साथ। पूरा सेंटेंस पढ़ो कि कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के अस्तित्व के कारण होता है। किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल। वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो आपको याद रखना है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, और हमें कमेंट में बताएं कि आपने
25 में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, इसलिए इससे आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयार की है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।